नमस्कार, हिमाचल प्रदेश जी के टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आप साथ साथ में नोट कीजिए और उसके बाद अपने लिखे गए आंसर्स को मेरे बताए हुए आंसर्स के साथ मैच कीजिए और देखिए कि आपके कितने आंसर जो है वो सही होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, द गुज्जर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर डिसेंडेंट ऑफ, गुज्जर जो है हिमाचल प्रदेश के वो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, अपना आंसर नोट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर टू है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है, कांगड़ा, शिमला, मंडी, सोलन। अपना आंसर नोट जरूर करें। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इन किन्नौर ग्रेप वाइन अंगूर इज कॉल्ड एज, किन्नौर में अंगूरों की जो वाइन होती है उसे क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, अपना आंसर नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच ईयर फॉरेस्ट सेटलमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट सेटलमेंट जो थी वो कब एग्जीक्यूट हुई। आपके पास चार ऑप्शन है, अपना आंसर नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ बुशहर मेड रामपुर हिज कैपिटल, बुजहर के किस राजा ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच काइंड ऑफ सॉइल फाउंड इन शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। आपको चार ऑप्शन है, अपना आंसर नोट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन दी, आपको चार डायरेक्शन दी गई है, अपना आंसर नोट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर एट है, पंडोह डैम इज सिचुएटेड ऑन दी रिवर, पंडोह डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, पंडोह डैम कौन सी नदी के ऊपर बना है और कहाँ पर ये स्थित है और कितने मेगावाट का है, ये तीनों क्वेश्चन आप जरूर नोट। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हु वॉज द कॉन्टेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू अकबर, चंबा का कौन सा राजा जो था अकबर का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंड नंबर ऑफ मंथ्स एट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ दिन कहाँ पर गुजारे थे। आपके पास चार ऑप्शन है, बिलासपुर, नाहन, धर्मशाला, डलहौजी। अपना आंसर नोट जरूर करें। चलिए डिस्कस करते हैं अब इन क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर वन था, द गुज्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिसेंडेंट ऑफ, हिमाचल प्रदेश के गुज्जर जो थे वो किसके वंशज थे। आपके पास चार ऑप्शन दी गई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, हंस, हंस के वंशज थे हिमाचल प्रदेश के गुजर। क्वेश्चन नंबर टू था, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो मुख्यालय है वो स्थित है मंडी में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1976 में, ये डेट आप याद रखिए, 1976 में हुई थी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इन किन्नौर दी अंगूरी वाइन इज कॉल्ड एज, किन्नौर में अंगूरी वाइन को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है, दखांगू कहा जाता है किन्नौर में अंगूरी वाइन को, जो अंगूरों की वाइन होती है उसे दखांगू किन्नौरी भाषा में कहते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रिब्बा कहाँ पर स्थित है। रिब्बा जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और रिब्बा को जो है वैली ऑफ ग्रेप्स भी बोला जाता है, अंगूरों की घाटी रिब्बा को बोला जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर है, इन विच ईयर फॉरेस्ट सेटलमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट सेटलमेंट जो थी वो कब एग्जीक्यूट हुई। क्वेश्चन चार ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, 1879 में जो था हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट सेटलमेंट एग्जीक्यूट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ बुशहर मेड रामपुर हिज कैपिटल, बुशहर के किस राजा ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था। आपको चार ऑप्शन थी, तो इसका सही आंसर था राजा राम सिंह, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। राजा राम सिंह के द्वारा बुशहर को जो अपनी राजधानी बनाया गया था, इन्होंने सरहान से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके बुशहर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स था, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल फाउंड इन शिवालिक हिल एरिया, शिवालिक क्षेत्रों में कौन किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था, सैंडी एंड क्लेल सॉइल, सैंडी और क्लेल सॉइल जो है वो पाई जाती है शिवालिक हिल एरिया में। क्वेश्चन नंबर सेवन, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन, हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय की कौन सी डायरेक्शन में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वेस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस की तरफ स्थित है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर एट है, पंडोह डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, पंडोह डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो पंडोह डैम जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है और ब्यास नदी के ऊपर बना है ये कहाँ पर है, ये मंडी में स्थित है और इसकी कंस्ट्रक्शन कब कम्प्लीट हुई थी, 1977 में ये बनकर कम्प्लीट हो गया था। इतना याद रखिए, पंडोह डैम के
बारे में। और पंडोह डैम की क्षमता कितनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, पंडोह डैम की क्षमता है 990 मेगावाट। इसकी क्षमता आप याद रखिए, 990 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द कंटेम्पररी रूलर ऑफ चंबा टू अकबर, चंबा का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन जो था वो समकालीन था अकबर का और चंबा के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंड नंबर ऑफ मंथ्स एट, नेताजी सुभाष चंद्र के बॉस के द्वारा कुछ महीने कहां पर बिताए गए थे। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, डलहौजी। डलहौजी में कुछ दिन बिताए गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।